मैं आप ही को बुला रहा हूँ, आओ, बोला नज़दीक। तो मैं फिर मैं उठ के गया, जाके नज़दीक गए तो नौ सेकंड दिए, हाथ दिए। जैसे उसका मैं हाथ थामा तो मेरे मेरे पूरे शरीर में एक झंझनाहट उत्पन्न हुआ। ये एक तरह का करंट का शॉट जैसा होता, उसी तरह हमारे को वो झंझनाहट शुरू हुआ बॉडी के अंदर। मेरा नाम चंद्रैया है, मैं हैदराबाद का रहने वाला। इस ध्यान में आने से पहले हम भौतिक प्रपंच में आर्मी में काम करे। 1986 में मैं आर्मी से रिटायर्ड हुए। आर्मी के बाद वो आंध्र बैंक में ज्वाइन हुआ। आंध्र बैंक में 26 ईयर्स के बाद 2015 में ट्रेड हो गया। और मैं इससे पहले ध्यान का थोड़ा मेरा अनुभव था, लेकिन पूरा तरह मैं 2017 में ध्यान में आया। वो भी ईनाडू पेपर पढ़ने का मेरे को आदत था। उस पेपर के जरिए एक पॉम्पलेट देखा गया ईनाडू पेपर में, तो उसमें था कि पत्री जी का प्रोग्राम 1 वीक का हमारे अलवाल सेंटर सेकंड वार्ड में हो रहा है। सो हम उस प्रोग्राम को जाके वो पॉम्पलेट देखकर, ठीक है, हम एक बार देखते हैं क्या मेडिटेशन क्या है, वो देखने के लिए हम गए। और वहाँ जाते बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो इतने में पत्री जी मेरे को, वो पत्री जी बोल के नहीं मालूम, वैसा ही हम भौतिक में ये गुरु लोगों को बहुत कम मानते थे, भगवान का ज़्यादा हम पूजा पाठ वगैरह करते थे, लेकिन ये गुरु लोगों को मैं बहुत दूर रहता था। लेकिन उस दिन पहली बार जैसा जी ये पत्री जी बोल के नहीं मालूम, जब आया तो आके उन्होंने सीधा आया वो प्रोग्राम में, स्टेज पे चले गए, जाके सब आए, सब हाथ मिला रहे, हलो हाय ऐसा बोल रहे। तो जाके स्टेज पे प्रोग्राम सब खत्म हो गया। प्रोग्राम होने के बाद फिर सब जाके उससे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हलो बोल रहे हैं। तो मैं वैसे ही उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या है उनका। सो उस टाइम आध्यात्मिक में मेरे माथे पर विभूति और सिंदूर, गले में माला, रुद्राक्ष का माला, मणिमाला एंड स्फटिका माला, और ऐसा सब, मतलब भक्ति मार्ग में जैसा सब पूर्ण उसी हिसाब से हम था। तो उन्होंने पत्री जी दूर से ऐसा मेरे को उंगली से इशारा करा, इधर आ जाओ मास्टर बोल के। तो मैं सोचा मैं तो आज पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे को नहीं, किसी और को बुला रहा, मेरे पीछे कोई बैठा होगा उनको बुला रहा बोल के। ऐसा मैं पीछे देखा था, नहीं मास्टर मैं आप ही को बुला रहा हूँ, आओ, बोला नज़दीक। तो मैं उठ के गया, जाके नज़दीक गए तो उन्होंने सेकंड दिए, हाथ दिए। जैसे उसका मैं हाथ थामा तो मेरे पूरे शरीर में एक झंझनाहट उत्पन्न हुआ। ये एक तरह का करंट का शॉट जैसा होता, उसी तरह हमारे को वो झंझनाहट शुरू हुआ बॉडी के अंदर। तो हमने सोचा ये क्या है, ऐसा हो रहा है। सो दो सेकेंड ऐसा हाथ पकड़ के उन्होंने अपने आँखों से हमारे आँखों को घोर के देखा, उतना ही बस। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, उन्होंने चले गए हम लोग, और मैं भी अपना घर आया। सो रेगुलर प्रोग्राम में मेरा ऐसा रहता है कि जैसे सुबह उठा, नहा धो के 4 बजे उठ के नहाए धो के पूरे 6 बजे, 6:30 से पहले हमारा को पूजा पाठ हो जाना चाहिए। हमारा घर में शिवलिंग है और श्री चक्र रहता, शिवलिंग का नित्य दूध का अभिषेक होता और जल का, और श्री चक्र का भी अभिषेक करने के बाद कुंकुम अर्चन होता श्री चक्र का, और शिवजी का पूजा और श्री चक्र का पूजा होने के बाद ही हम चाय तक नहीं पीते, वैसा हमारा रोज का रिवाया रहता था। उसके बाद फिर अपना जो काम है उसमें चले जाते थे। उस दिन दूसरा दिन मैं
उठा, नहाया धोया और क्या बोलते हैं उसको, पूजा पाठ के लिए सेपरेट कपड़े जो डालते, धोती धोती वगैरह पहन लिया, मड़ी बोलते हैं उसको हम अपने लैंग्वेज में, सो मड़ी बांध के और पूजा के लिए तैयार हो गया। तैयार होकर आए तो घर में, किचन में आए तो किचन के बगल में हमारा पूजा का रूम है, किचन में आए तो वो किचन से जाके पूजा रूम में जाके गायत्री वगैरह करने का है, तो मैं जल वगैरह लिया और उससे पहले मेरा मिसेस जो है ना पूरा पूजा के लिए तैयार कर चुका है और नैवेद्य भी प्रसाद भी तैयार करके रखा हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ पूजा के मंदिर में जा रहा हूँ, बैठ नहीं सक रहा हूँ, फिर बाहर आ रहा हूँ, ऐसा दो तीन बार जा रहा हूँ आ रहा हूँ लेकिन बैठ के वो पूजा करने का मेरे को मन नहीं लग रहा। तो दो तीन बार जाके ऐसा आए तो मिसेस बोला भाई थोड़ा पूजा जल्दी कर लो तो हम चाय चू पी लेते चलो, ऐसा बोल के बोला। तो मैं बोला लक्ष्मी मेरे को आज पूजा करने का दिल नहीं कर रहा, तो आप पूजा कर लो, मैं जाके वो प्रोग्राम्स है 1 वीक का तो उधर मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को परेशान, बिना पूजा का मैं कहीं नहीं जाता, ये इसको क्या हो गया आज ऐसा, खैरा बोल के हमारा मिसेस सोचा। तो फिर मैं आया, सीधा आया, बाहर आया, अपना धोती वगैरह खोल दिया, पैंट शर्ट डाल लिया, डाल के सीधा गुरुजी के क्लास जो था वो प्रोग्राम में आ चुका है। और पिरामिड मेडिटेशन जो है वो अलवाल सेंटर में 1 वीक का प्रोग्राम था, वो नक्षत्र मित्र लोग का क्लासेस था उस दिन। फर्स्ट मेरा क्लास से ही नक्षत्र मित्र क्लास का अटेंड हुआ, वो नक्षत्र मित्र 2 दिन था, वो पूरा 2 दिन क्लास होना। तो घर जाने के बाद मिसेस बोला क्या हो गया आपको, पूजा नहीं कर रहा, ऐसे चले गए, कभी नहीं जाते थे ऐसे बोला। तो मेरे को नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कर सक रहा, मैं बोला। तो तीसरा दिन मेरे को मिसेस को बोला ठीक है आप भी हमारे साथ चलना है तो चलो, बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे को अच्छा लग रहा है और आप भी चलना चाहते तो आपका मर्जी है, बोल के मैं बोला। और हमारा ऐसा एक आदत है बचपन से हम लोग का, जब से शादी हुआ जहाँ जाना हम दोनों जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाना हो, कहीं भी किसी के घर जाना हो, दोनों जाते, नहीं तो दोनों बंद कर लेते, ना उनका रिश्तेदार हो या हमारा रिश्तेदार हो, दोनों जाते तो जाते, नहीं तो नहीं जाते, वो हिसाब से हमारा पहले से चलता था। और उसके बाद इससे पहले, ये ध्यान से पहले हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी जा चुके हैं और हार्ट लिविंग आर्ट्स उनके उधर भी जा चुके हैं। और इससे पहले ये पूजा पाठ जो है वो आपको बोल ही चुका हूँ इससे पहले, तो वो ऐसा पूरा हर जगह जा चुका हूँ लेकिन कहीं भी हमारे को वो मन शांति तो मतलब कुछ ना कुछ नहीं, इंसान के अंदर और कुछ है जो हर आदमी ढूंढ रहा है लेकिन वो नहीं मिल रहा, वो क्या चीज़ है, किस लिए हम ये मन का शांति नहीं हो पा रहा। पूजा करो 3 घंटा 4 घंटा करो, उस टाइम अच्छा रहते हैं लेकिन जब पूजा से हम मंदिर से बाहर आए और भौतिक यानी दुनिया में हम जब पहुंच गए फिर से वो अशांति स्टार्ट हो जाता, वैसी तरह हर जगह होता था वो कंटिन्यू था। तो ये हमारे ये पिरामिड जो मिला था वो तीसरा दिन हमारा मिसेस भी हमारे साथ लेके हम क्लास में पहुँचे और उस दिन से लेकर आज तक हम कंटिन्यू जो है ना पिरामिड मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अब उस दिन पूजा छोड़ा तो आज तक मैं पूजा नहीं करा, उससे पहले हम 18 साल वो अय्यप्पा माला भी डाला, उसमें मैं गुरुस्वामी भी है, भगवान भगवती जगन माता का माला भी डाला, वो भी 6 साल डाला, तो 108 दिन का वो व्रत रहता माता जी का और दशहरा के टाइम नवरात्रि से पहले ही वो 108 दिन पूरा करता था। और श्रीमन नारायण माला भी डाला और जो है ना हनुमान जी का माला डाला, ऐसा बहुत से माला इस ध्यान मार्ग में आने से पहले ये पूरा कर चुके हैं। उसमें भी हर चीज़ में अय्यप्पा माला में गुरुस्वामी हुआ, आंजनेय स्वामी का भी ऐसा ऐसा ऐसे बहुत से भक्ति मार्ग में बहुत से साधना किया। 30 साल तकरीबन मैं 30-40 साल में पूरा ये साधना शुरू हुए, उसके बाद ध्यान मार्ग में जब हमको आया तो इसलिए शायद वो गुरुजी ने हमारे को वो जो बाहर का
मन बाहर से मन को सीधा ले जाके ध्यान में बिठा दिया उस दिन, वही झंझनाट वही झलक। इसके बाद जब जब ध्यान बढ़ते हमारा ज्ञान बढ़ते गए तो मेरे तब समझ में आएगा गुरुजी ने मेरे को एनर्जी दिया, वो एनर्जी से यम पुराण मतलब एकदम टर्न हो गए, ओके इस लाइफ में आ चुके हैं। तो इसमें आने के बाद सबसे पहले मैं जैतवनम में 3 दिन का सेतु विज्ञान क्लास चल रहा था जी, बालकृष्णा जी का क्लास है वो, उसमें मैं सेतु विज्ञान में 3 दिन गया। और 3 दिन के बाद फिर उसके बाद DNA विजयवाड़ा स्वर्णलता मैडम का DNA क्लास लेवल 1, DNA लेवल 1, DNA लेवल 2, ऐसा DNA क्लासेस भी अटेंड किया। उसके बाद फिर वननेस, ऐसे ऐसे बहुत सारे अपना जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होता था वहाँ पहुँच जाना हमारा काम था, ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल में आने के बाद। और इतना हमारे को इतना साल से जो हम अशांति की बात कर रहे थे वो भूख वो प्यासा जो वो प्यास बुझ गया हमारे को, वो मन मिल गया, वो मन शांति मिल गया। इस वजह से हम बहुत से इसके अंदर बहुत खुशी प्राप्त की है और इतना आनंद, इस आनंद को हम व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कि मैं उसका आनंद का व्यक्त करूं। तो इतना बहुत सारे आनंद पाया, ये आनंद को हम दूसरे को भी बांटना है, जो हम आनंद सुख भोग रहे हैं उसको दूसरे को भी भोगने का कोशिश करना चाहिए हमारे को। ये ज़िंदगी का हमारा एम यही है कि मतलब भगवान इसलिए हमारे को ये प्रकृति माता जो विश्व है हमारे को चुना है कि हम ये ज्ञान जो है ये हमारे हमारे से जो सीखा है वो ज्ञान उस 10 आदमी को 100 आदमी जितना हो सके उतना बांटना बोल के समझ गए। इसलिए उसमें और मैं सेतु में बहुत डीप से चले जाके उसके बाद सेत काउंसलिंग कोर्स किया पहला, उसमें मैं सेत काउंसलर में निष्णात हो चुके और निष्णात होके उसमें अभी मैं सेत काउंसलर भी हूँ और उसके साथ एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरीज में भी काउंसलर हूँ और DNA विज्ञान में भी मैं काउंसलर हूँ। ये लेकर हम बालकृष्ण सर का सेत टीम है हम लोग का, उस टीम में दुर्गा वाणी मैडम सुनीता मैडम जो जी बालकृष्ण जी का वाइफ है और लाहरी मैडम बालकृष्ण जी का डॉटर है और दुर्गा वाणी जो है हमारा जैसे जैसे ज्ञान में आए वो दुर्गा वाणी मैडम और श्रीनिवास जी और बहुत से ऐसे लोग। अब हम लोग एक 15-20 आदमी एक ग्रुप बन गए, ये विश्व सेहत विज्ञान का क्लास जो है ना हम हर जगह हर महीने में 2-3 क्लास करते थे। वैसे इसी परंपरा में हम भुवनेश्वर भी गए, दिल्ली भी गए और बहुत से सारे जगह इधर अब आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ऐसे बेंगलोर में भी गए हुए ये सेहत विज्ञान को बांटने के लिए। और ऐसा बांटते परंपरा में एक बार हम एक घटना आपको हम बताना चाहते हैं जिससे आपको ये ध्यान मार्ग में विश्वास, तब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा हो गया था, विश्वास तो पहले से ही है लेकिन फिर भी एक ऐसा वक्त आया जिस वक्त में मैं पूरा अपने आप को महसूस करा कि भाई हाँ कुछ है। मास्टर्स जो है एस्ट्रल मास्टर जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म शरीर यान जिसको हम कहते हैं, ऐसे उसके जरिए कुछ हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा होता। तो क्या हुआ, ध्यानकुंड हरिद्वार के पास ऋषिकेश में हुआ था 2018 में। तो ऋषिकेश में हम अपने अलवाल से 10 आदमी को लेके वहाँ पहुँच चुके हैं। किसी को इसमें हिंदी वगैरह नहीं आता था तो मेरे को, मैं एक्स आर्मी के नाते मैं हिंदी आता था, तो उसके वजह से उन लोग बोला भैया आप चलते तो हम भी चलते हैं आपके साथ, बोले तो ठीक है आ जाओ बोल के। उसमें 6 मेंबर लेडीज़ है, 4 मेंबर्स जेंट्स। हम पहुँच गए ऋषिकेश, पहुँच गए ध्यानकुंड में। ध्यानकुंड जब ऋषिकेश पहुँच गए वहाँ से गुरुजी का 2-3 दिन क्लास होने के बाद उन्होंने, अभी ये सब लोग हिंदी नहीं आते उनको, तो उन लोग बोला भैया हम इतना दूर आया आपके साथ, आप थोड़ा हमारे को थोड़ा घुमा दो,
ये तो कैसा भी हमारे को हिंदी क्लासेस हमारे को समझ में नहीं आ रहा। सुबह का ध्यान करने के बाद हम का थोड़ा जाके घूम के अगल बगल का मंदिर जो भी है देखेंगे बोल के बोला, तो ठीक है बोल के दूसरा दिन हम एक टैक्सी बात करके हरिद्वार पहुँचे। ध्यान के बाद नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में मानसा देवी का मंदिर झूला में और राम लक्ष्मण झूला ये सब देखे और उस दिन पूरा उधर होके, उसके बाद दूसरा दिन हम बद्रीनाथ तय किया जाने के लिए। वहाँ से हम बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ अक्टूबर मेरी यानी बद्रीनाथ जैसा टेंपल दीप जलाने के बाद क्लोज होता ना, उससे एक दिन पहले हम वहाँ पहुँच गए थे दर्शन के लिए। दूसरा दिन क्या है, वो टेम्पल बंद हो जा रहा, मतलब पूरा सर्दी काफ़ी था, तड़ाके का सर्दी था। तो सर्दी में ये जो औरत लोग आए थे हमारे साथ, तो उन लोगों उसमें मेरा वाइफ भी है, तो मेरा वाइफ भी सर्दी में बहुत ये होता। तो हम जैसे ही दर्शन के लिए पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ठंडी शाम होते ही ऐसा ठंडी था कि मतलब पैर नीचे रखे तो एकदम शीतल, और दीवार को छुए था भी उधर भी आइस को जैसा छुए वैसा। तो उन लोग कांपने शुरू हो गया। अब माँ बोला ये तो इनको परेशान कर दिया हम, क्या करना है। 12 रात को 11 बज रहा लेकिन कोई नहीं सो रहा, वो सब कांपते जा रहा है। इतना इतना रगाई उधर रगाई वगैरह बहुत मोटे रगाई बिछाए, नीचे रग्स भी थे, तो फिर भी उनका ठंडी नहीं रुका जा रहा। हमारा मिसेस का जो और दूसरा तीन चार और जो थे उन सबका ऐसा ही हालत है। हमारा तो हमारा भी था लेकिन हम सह पा रहे हैं, लेकिन वो औरत लोग चार जो पांच आए थे उनको जो बहुत मुश्किल हो गया, सर्दी से कांपना शुरू हो गया। हमको ऐसा लगा कि हम यहाँ ला के उनको इस समय में गलती किया, अब क्या करना बोल के सोच रहा। तो दिल में मास्टर ने हमारे को ये सजेशन दिया, आप इतना विज्ञान सीखा है, आप इतना क्लासेस सुने हैं, आप इसको क्यों आप इधर यूज नहीं कर रहे बोल के मेरे को अंदर से जवाब आया। तब मैं ध्यान में बैठ के अब जो हम ऑस्टल हीलिंग एंड सर्जरीज में हुआ या श्वेत विज्ञान में हुआ ये DNA मास्टर्स में जो हमने कोर्सेस लिए थे, उसमें से एक कांति को इन्वाइट करने का एक ऐसा विज्ञान है। सो मैं वो कांति से विज्ञान, वो कांति का विज्ञान को हमने अपनाने का वो सोचा, सोच के तय किया। उसके बाद फिर हम ध्यान में बैठ के उठ के वो रूम में बैठ के ध्यान में बैठ के ये मास्टर्स को इन्वाइट किया, ये सत्यलोक से ज्ञान का प्रकाश की ज्योति को हम इन्वाइट किया। इन्वाइट करते ही वो अपने ऊपर पूरा वो ज्योति आना शुरू, कांति जो है ना एक ऐसा एक ट्यूबलाइट्स के मुताबिक ट्यूबलाइट जैसा रहता वाइट और कांति, वो ट्यूबलाइट ऊपर से अपने मूल चैतन्य से वो ब्रह्मलोक से वो कांति आना शुरू हो गया। शुरू हो के मेरे अपने ब्रह्मरंध्र के पास से आके अपने अंदर वो कांति ले लिया। ये सब वो ध्यान में बैठ के ये प्रक्रिया स्टार्ट किया था, वो अपने अंदर वो कांति आ गई। आने के बाद हम पूरा अपना पहले अपना बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो अपने बॉडी के अंदर वो कांति से हम टेम्परेचर बढ़ा लिया। उसके बाद अपने दिल से हम इनको जो हमारे साथी है वो कमरे के अंदर वो टेम्परेचर वो कांति को प्रेम से उनको अनकंडीशनल लव जो है वो कांति जो है हम उनको अपने दिल से बांट दिया पूरा। और इतना वंडर हुआ, जो सर्दी से कांप रहे थे, सुबह हम जब 4 बजे साढ़े चार बजे जब 12 बजे बैठ गए थे, तो सुबह 4:30 बजे जब आँख खोले तो सब ऊपर का ओढ़े हुए रगाई बगल में रख के सब बैठे हुए ध्यान में, पूरे औरत लोग और अपने पूरे सदस्य जो भी इतना आए थे उधर, वो सब लोग मेरे को मैं एकदम से बहुत खुशी हो गया कि भद्र का उनका ठंडी दूर हो गया। ये मास्टर्स ने हमारे को जो कांति रूप में इन सबको सेव करा बोल के, और सब ने जैसे आँख खोले तो सब दे मास्टर्स को धन्यवाद शुक्रिया अदा करा उन सब मास्टरों को। तो उस दिन अपना हमारी ज़िंदगी में हम पहली बार हम जो
सीखे थे विज्ञान को, उस दिन हम प्रयत्नपूर्वक मतलब प्रत्यक्ष हम देखा गया उस दिन। देखने के बाद हम बोला ये तो बहुत पावरफुल है। तो उसके बाद फिर हम आए उधर से, फिर दिल्ली होके अपने घर पहुँचे। तो आज तक भी वो मैडम्स लोग जो भी अपने सा ज्ञानी हैं, अभी भी उनको बहुत सुंदर अनुभव बोल के बोलता, भैया बोलते ना हम लोग बहुत सुंदर अनुभव हम किया बोल के ऐसे बोलते। तो इसके बाद हैदराबाद में आने के बाद और एक मैं संगठना बताता हूँ कि वो अद्भुत विज्ञान है। वो भी उस दिन पत्री जी का प्रोग्राम था वो कहाँ पर, लंगर हाउस के मेहंदीपट्टनम में एक प्रोग्राम था पत्री जी का। वो प्रोग्राम के लिए हम लोग आ रहे थे। तो हम अपने गाड़ी में बैठ के, जब भी मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ या इधर करताल आता हूँ या कहीं भी जो भी प्रोग्राम्स होगा, तो अपना गाड़ी के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको लेके आ जाता हूँ उस प्रोग्राम में। वैसा उस दिन भी वो पाँच छः आदमी अपने कार में बैठे थे, तो हम ड्राइविंग सीट में बैठ के, तो ये थोड़ा सा लेट हो गया था आने के लिए हम लोग को। तो हमने कार में बैठने के बाद मैं किसी को नहीं बोला ये सोचा एक बार तो हम अनुभव कर लिया, दूसरी बार आज और अनुभव करते हैं कि मास्टरों का क्या कमाल करते देखेंगे बोल के। तो उस दिन क्या ड्राइविंग सीट में बैठ के ऐसे मान लियो, बस देखो हम पत्री जी के प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। तो हैदराबाद में जो सिग्नल्स है सबको मालूम है, यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता, एक एक सिग्नल में दो बार तीन बार सिग्नल पड़ता, उसके बाद ही हमको वो सिग्नल से क्रॉस होना पड़ता बड़े बड़े सिग्नलों में। तो उस दिन हम ये संकल्प किया कि हमको कोई हम पत्री जी से आने से पहले हम उस प्रोग्राम में पहुंचना, यही हम संकल्प किया। संकल्प करके यहाँ से हम अब गाड़ी स्टार्ट करा, सीधा पत्री जी के प्रोग्राम में पहुँच गए। और इतना अद्भुत है कि जहाँ कहीं भी हमारे को कोई भी सिग्नल का अड़चन ही नहीं आया, इतना अद्भुत। कहीं भी कभी भी अभी तक भी मैं ये संभव है असंभव है यही सोच में रहता हूँ मैं कभी भी, क्योंकि दो दो तीन दिन बार सिग्नल के बाद हम वो सिग्नल को क्रॉस करने का तजुर्बा है जिंदगी भर का हमारा। लेकिन उस दिन जो संकल्प करके हम निकले पत्री जी से पहले हम प्रोग्राम में पहुंचना है, तो वो अद्भुत हुआ कि वो भी बहुत बहुत अद्भुत है। और कोई सिग्नल में थोड़ा सा सिग्नल है भी, तो जैसा हमारा गाड़ी वहाँ पहुंच जाती है धीरे धीरे, तो वो उस टाइम तक वो सिग्नल ओपन हो जाता। इस तरह हम पत्री जी के प्रोग्राम में पहुँचा, बहुत बहुत अद्भुत है। और एक संगठन है जो हम बेंगलुरु वाइट फील्ड में वहाँ पर ये सेथ क्लास करने के लिए गए थे। तो वाइट फील्ड में जब हम सेथ क्लास विज्ञान बांटने के लिए गए थे, तो हमारा ऐसा प्रोग्राम रहता तीन दिन का सेथ विज्ञान रहता। पहला दिन के बाद दूसरा दिन से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता। तो उसमें से एक 20 साल का वो 20-25 साल से अपना ध्यान में है, बहुत से उन्होंने सेंटर भी रन चलाए, कई आदमियों को ध्यान ज्ञान बांटा, वो बेचारा को ऐसा हुआ कि मतलब वो पूरा वीक हो गया, मुंह से पानी गिर रहा, प्यास, वो क्या बोलते हैं यूरिन भी अपने आप को, उसको नहीं मालूम है को यूरिन भी निकल जाता है अपने आप को। तो मतलब बहुत ऐसे कांप रहा था पूरा शरीर, कांपते उनका मिसेस वो सेहत क्लास को लेके आया उनको। वो तो क्लास में भी नहीं बैठ पा रहा, पूरा ऐसा ऐसा हिल रहा, वो मुंह से जो पानी गिर रहा धारा, और ऐसा ऐसा उनका बहुत ख़राब हालत में उनको लेके आया उनका मिसेस, ताकि सेहत विज्ञान में उनका कुछ हो जाए बोल के। वो आने के बाद पहला दिन हो गया, दूसरा दिन जब जैसे 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 ही काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, तो बालकृष्णा जी बोला हमारे को तो आप इनका जो है ना काउंसलिंग करो बोल के, बोला फॉर्म हमारे पास, उनका फॉर्म हमारे पास भेजा गया, क्योंकि ये काउंसलर्स के उसमें से थोड़ा उम्र में सबसे ज़्यादा मैं ही, तो वो उम्र के हिसाब से भी वो बड़े हैं, इस वजह से हमारे पास भेजा शायद ऐसा सोच के, नहीं तो मास्टर ने डिज़ाइन किया होगा कि वो हम उनका काउंसलिंग करें। तो हमारे पास पहुँचे तो उनको ध्यान में भी नहीं बैठ सकरा, लेकिन उतना वो है फिर भी थोड़ा ध्यान में बिठाने का कोशिश किया और संकल्प किया कि ये ध्यान में बैठ जाए। तो दोनों धीरे धीरे ध्यान में
निमग्न हो गया। निमग्न होने के बाद उनको पूरा कर्म सिद्धांत के ऊपर उनका काउंसलिंग कराया गया। कर्म सिद्धांत में जो भी इनो अपने जो कुछ कर्म है, ये जन्म का हो या पिछला जन्म का हो, या ये आत्मा जब से ये शरीर धारणा शुरू कर दिया, कई जन्मों के अपना जो रहता है, जैसा कि हम पहले पत्थरों में लिए, उसके बाद पेड़ हुए, जब आत्मा ये मूल प्रकृति से डिवाइड हो गया, होने के बाद सबसे पहले हम पत्थर खनिज संपदा बोलते हैं उसी को अपने लैंग्वेज में, तो वो खनिजों में हम आत्मा रूप में खनिजों में रह के वो एक जगह रहने का सीखा। उसके बाद वन में जन्म लेना, मानी जाड़ में वो वन के उसमें जीवन लिए थे। वन के बाद फिर हम जानवरों के उसमें जीवन ले लेते हैं। जानवरों के बाद तब हम इंसान में आते हैं। इंसान में जब आने के बाद भी हम पहले तामसिक, फिर राजसिक, फिर जाके सात्विक गुण में हम आते हैं। जब तामसिक में रहते हैं तो खाना पीना सोना और उसका कुछ काम नहीं रहता, खाना सोना, फिर वो ऐसा तामसिक रूप में। फिर जब राजसिक में पहुँचते जन्म, मतलब जैसे जैसे हम जन्म परंपरा बढ़ते जाता है, तामसिक जन्म से फिर हम राजसिक में जब पहुँचते हैं, तो राजसिक में क्या, खाना पीने के साथ उसमें फिर थोड़ा सा चार आदमी को कमांड करना, आते नहीं वो ऐसा रहता। तो राजसिक के बाद फिर हम तामस सात्विक में पहुंच जाते। जब सात्विक में पहुंच जाते तो तब जाके हमारे को ये जिंदगी यही है क्या, खाना पीना सोना, या फिर किसी के ऊपर रोब जमाना, मतलब राजसिक मतलब कमांड करना, इतना ही है क्या, और कुछ है इसके अलावा? तब वो हमारे को सात्विक गुण में हम आ जाते हैं। सात्विक गुण में भगवान का पूजन सेवन ये सब करते करते हम शुद्ध सात्विक जन्म लेते हैं। शुद्ध सात्विक गुण में जब जन्म लेने के बाद उस टाइम हम ये ध्यान में आते हैं, ऐसा पत्री जी ने हमारे को जो ध्यान दिया था उसके हिसाब से हम बता रहे। तो वैसा ये शुद्ध सात्विक जब बन जाते उस टाइम हमको ये ध्यान का अनुभव होता, ध्यान में आना होता। ध्यान में आने के बाद हम ये सब अनुभव पूर्वक से होता। तो उसी तरह हम ये जो उस इंसान जो 20-25 साल से ध्यान कर रहा और बहुत से सेवा कर रहा, बहुत से क्लासेस चलाए, लेकिन उसके जन्म परंपरा में जो भी उनका कर्म का शेष है, उस कर्म को उन्होंने वहाँ पर कर्म को विधाना, उन्होंने वो कर्म को हटा लेना, तो उससे ये उनको आया बोल के वो ध्यान में मास्टर्स का वो मैसेज मिला। तब जाके उनको वो ध्यान में बोला, भाई आप जब जन्म जन्म से जो भी जिसको भी आपसे आप नुकसान पहुंचाए, आप उन सब आत्माओं का आप बुलाओ बोल के उनको बुलाया। उन आत्माओं का जब हम अपने आत्मस्थित में हमको ध्यान में बुलाते तो वो आत्मा आ जाते हैं। आने के बाद आप अपने हृदय पूर्वक उनको क्षमापणा कीजिए, क्षमापणा मांगिए, हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ कीजिए, ऐसा उनको 5 मिनट तक उसका क्षमापण बोल दिया। तब उनको जैसा जैसा उनका क्षमा करने के बाद, लेकिन इससे पहले एक ये हुआ कि वो क्षमा मांगने को तैयार नहीं है जो आदमी है। जैसा हम ये प्रोसेस उनको बोला तो वो बोलता, नहीं हम क्षमा क्यों मांगना, हमको हम गलती नहीं करा, नहीं मांगते बोलता। वो बहुत पुराना ध्यानी है ना, अब वो समझना उसको, क्योंकि एक मुद्दा पे एक गिरी एक बाउंड्री करके उन्होंने बैठ गया उस बाउंड्री के अंदर, मेरे को यही है, मेरा बाउंड्री है ऐसा, उसमें से निकल नहीं चाहता उन्होंने बोलने से भी नहीं। तो बहुत देर के बाद, 1 घंटा सताने के बाद फिर उन्होंने बोला, ठीक है अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है मैं करके देखता हूँ एक बार, वो भी आपके ऊपर विश्वास रख के मैं कर रहा हूँ। बोले ठीक है, मेरा नहीं, मास्टर्स के ऊपर हिसाब करो। उसके बाद बैठा बोले तो नहीं नहीं मैं किसी को नहीं मानता, मैं खाली आपको बोल रहा है बोल के
आप भी देखना बोल के मैं बैठ रहा बोल के बोल रहा मेरे को ठीक है कैसे भी हो बैठ जाइए बोल का। फिर उनको बैठाने के बाद तब वो जाके माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। ये इससे पहले जो लाइफ का है बिफोर ध्यान का आफ्टर ध्यान का बहुत से सुंदर जीवन बन गया हमारा। उससे पहले हम वैसा मैं बहुत गुस्सेदार आदमी था क्योंकि मैं गलती नहीं करता हूँ और कोई गलती करे तो मेरे से साइन नहीं होता। हम फौजी है तो हम डिसिप्लिन भी बहुत वो करते तो डिसिप्लिन में भी कोई गलती करे तो हम नहीं मान देते। ऐसा उसमें बहुत गुस्सा मेरे को आता था, इतना गुस्सा कि बहुत गुस्सा था। तब ये ध्यान के बाद वो धीरे 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 आज इतना शांत आ गया कि कोई हमारे को थप्पड़ मारे तो भी चलो भाई इधर मारो और एक मार लो। आपका जो हमारा कर्म था वो आप हमारा गुरु है जो हमारे कर्म को आप जो है ना कम करने के लिए ऐसा इस इतना शांत जीवन में इस जो ज्ञान दी है हमारा ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी को बहुत बहुत लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद करे तो भी बहुत बहुत कम है। हमारे को जीने का और मरते टाइम कैसे ये शरीर को त्यागना वो भी हमने बहुत सुंदर से कला वो कला को हम सीख लिया। तो अभी हमको कोई डर ही नहीं है कि हम कब जाते हैं, जब भी जाएंगे आराम से हंसते हुए जाएंगे। दुनिया को यही हमारा मैसेज है कि ये ध्यान कीजिए। ध्यान में विश्व सबसे पहले हमको क्या विश्वास रहना, कोई भी काम करते हो विश्वास के बिना काम करे तो वो सफल नहीं होता। पहले विश्वास कीजिए फिर आप देखिए परखिए आपको पूरा आपको मालूम होगा इस ध्यान में कितना शक्ति है आपको खुद को। इसको यहाँ पर हम किसी दुनिया को सुधारने का जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में हमको अपने आप हम सुधरेंगे। हम ये दुनिया का हम वसुधैव कुटुंब का एक अंश है। हम जैसा हम सुधरेंगे ऑटोमेटिक ये कुटुंब ये वसुधैव कुटुंब भी सुधरेंगे। वसुधैव कुटुंब का हम एक अंश है तो इस वजह से जो भी सुधरना है अपने आप को सुधरिए। अपने आप को जब सुधरेंगे तो ऑटोमेटिक ये दुनिया सारा बदलेगा। एक दिन ऐसा रहेगा कि सारी दुनिया कोई इस दुनिया में बिना ध्यान का आदमी नहीं रहेगा, बिना शाकाहारी का जगत ही नहीं रहेगा। पूरा जगत शाकाहारी एंड ध्यानी होगा। उस दिन के लिए हम निरंतर हमारे पत्री जी गुरु जी और हम कांति 1,44,000 कांति सैनी जो है हम निरंतर ये विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब कीजिए और इनको मदद कीजिए। हम भी ये तेलुगु पीएमसी में एक साल काम करें शेयर्स में। और अभी जो मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर न्यूटन एंड लक्ष्मी उनके यहाँ अभी मैं फ़िलहाल 8 महीने से मैं उधर ही वो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में ही रह रहा हूँ। मैं अकेला उधर ही रह के उधर सेवा कर रहा हूँ। जहाँ भी मौका मिले आप सेवा करें। ध्यान ध्यान के बाद सेवा, सेवा में जितना आपको कर्म दग्ध होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। ध्यान सेवा एंड प्रचार यह सब कीजिए। प्रचार में एक भाग ही ये पीएमसी हिंदी या तेलुगु जो भी पीएमसी यहाँ है और सब प्रचार का भाग में ही हैं। इसलिए उसको आप जो है ना आप तन मन धन से पीएमसी का मदद कीजिए एंड सब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स।